स्टैमिन है वो हमें देखने को मिल जाएगा। ये मुश्किलें बढ़ा सकता है टीम गॉडलाइक की। टीम एक्सपर्ट को ही पता है कि अगर यहाँ पे इस मैच में वापस आना है तो ये जो पोजीशन है टीम गॉडलाइक की वो उनको लेनी पड़ेगी। क्लच गॉड को स्पॉट किया गया, नियो के ऊपर भी स्प्रेस जाएंगे लेकिन यहाँ पर एक भी खिलाड़ी को डाउन करने में कामयाब नहीं। स्काउट वर्सेस जॉनसन हमें यहाँ पर ये देखने को मिल सकता है। लेट्स सी कि क्या यहाँ पर जो नॉक है वो आएगा। जॉनसन अभी के लिए ग्रेनेड जो है वो कुक कर रहे हैं लेकिन अगर बात करें टीम एक्सपर्ट की तो उनकी जो पोजिशनिंग है काफी ज्यादा कम एरिया में सारे के सारे जो खिलाड़ी है वो हमें देखने को मिल जाएंगे। टीम गॉडलाइक के चारों खिलाड़ी अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं और अब जो ग्रेनेड का आदान प्रदान है वो हमें देखने को मिल सकता है। जॉनसन एक और ग्रेनेड यहां पर कुक करते हुए क्या कनेक्शन बनाने में कामयाब हो पाएंगे। क्लच गॉड को मीनवाइल यहां पे स्पॉट करके डाउन कर देगा मवी के द्वारा और अब टीम एक्स पार्क यहां पे जरूर से क्लोज इन कर सकते हैं। मवी अभी भी पीछे के साइड से कवर देते हुए नजर आ रहे हैं। यहां पे जॉनसन को डाउन कर दिया गया स्काउट के द्वारा। जो फिनिश है वो यहां पे सिक्योर किया जाएगा। टीम गॉडलाइक अभी के लिए एक एक करके बिखरते हुए नजर आ रहे हैं। टीम एक्स पार्क अभी के लिए रैंपेज पर नजर